अहद करता हूँ कि बतौर इमरजेंसी रेस्क्यूअर मैं खलूस नीयत से पूरी लगन और दयानतदारी के साथ इस इमरजेंसी सर्विस में खिदमात सर अंजाम दूंगा। जो सिंध की हमारी फीमेल रेस्क्यूअर्स और बलूचिस्तान के बच्चे पास आउट होकर जा रहे हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और उनकी फैमिलीज़ को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। सो याद रखें, ये मेरा ख़ास तौर पे जो रेस्क्यूअर्स पास आउट होकर जा रहे हैं कि आप किस सर्विस को ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो आप काम करने जा रहे हैं ये रूटीन की नौकरी नहीं है, ये एक मिशन है और मिशन है ज़िंदगियाँ बचाने का। ये हमेशा याद रखिएगा और अल्लाह ताला ने आपको इस मिशन के लिए चुना है, तो इसके लिए चैलेंज के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से बताया गया कि पंजाब में 2004 के बाद जो इमरजेंसी सर्विसेज स्टार्ट हुई और एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ, उस कॉन्सेप्ट को लेके हुए 2022 में हमने सिंध में ये सर्विसेज इमरजेंसी सर्विसेज को इस्टेब्लिश किया और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 साल के टाइम पीरियड में, क्योंकि नंबर्स तो हम इस वक्त बहुत कम नंबर्स हैं लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें तो इस वक्त तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसीज हम लोग डील कर चुके हैं, 600 से ज़्यादा हमने फायर इमरजेंसीज को डील किया है, 200 के करीब हमने ड्राउनिंग के केसेस को रेस्पॉन्ड किया है, 61 से ज़्यादा जो केसेस थे बिल्डिंग कोलैप्स के उनको हमने रेस्पॉन्ड किया। तो इमरजेंसी सर्विसेज का होना एक हमारे लिए मैं ये कहता हूँ कि इट्स अ ब्लेसिंग और ये हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है। आज हमारे सिंध के लोग, बलूचिस्तान के लोग, बल्कि एक चेंज हम देख रहे हैं कि इस वक्त मर्दों के साथ जो हमारी ख़वातीन हैं शाना बशाना हमारे साथ खड़ी हुई हैं और इंशाल्लाह वापस जाकर इसी तरह से काम करेंगी जैसे बाकी प्रोविंसेस में काम चल रहा है। तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर रिजवान साहब, इट्स अ प्राउड मोमेंट कि आज हमने इतनी अच्छी पासिंग आउट सेरेमनी देखी और काफ़ी जो एजाज आपने हमें दिखाए, जो पूरी दुनिया ने आपको और हमें एज अ पाकिस्तानी हमारे रेस्क्यूअर्स को एक्सेप्ट किया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है सर। और मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ सर, ख़ास तौर पे जो हमारी ख़वातीन हैं जो हमने आज इनको देखा ऊपर से और रेस्क्यू के इनके देखते हुए, कुछ लोग तो मेरे इलाके के करीब पड़ोसी भी हैं, कुछ हमारे दूसरे भी, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने हमारे रेस्क्यूअर्स में इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि हमें एक यकीन हो गया है कि अल्लाह ना करे कोई भी ऐसा वाकया हो जहाँ पे हमें रेस्क्यू सर्विसेज की ज़रूरत हो, तो मेरे ख़्याल में दुनिया में इनसे अच्छे रेस्क्यूअर्स हमें नहीं मिल सकेंगे। रेस्क्यू 1122 एक बड़ा प्राइड अदारा है पंजाब का। मोहतरमा वज़ीर आला जनाब बीबी मरियम ने आज तशरीफ़ लाना था लेकिन बजट की वजह से वो तशरीफ़ नहीं ला सकी। ईद के बाद इंशाल्लाह उनका विज़िट इस एकेडमी का लाजमी होगा। कल भी हमने और आज भी शोबा सेहत पे कई घंटे मरियम बीबी के साथ मीटिंग्स की हैं। सेहत और रेस्क्यू 1122 का चोली दामन का साथ है और पूरे पंजाब में हमारे रेस्क्यूअर्स इस वक्त जो पेशेंट ट्रांसफ़र का काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। चाहे फायर का इंसिडेंट हो, हमारे सिंध के जो डीडी साहब हैं उन्होंने ये अजरक पेश की और मैंने इसको इसलिए पहना हुआ है कि मेरे लिए पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगत, कश्मीर, केपीके, ये सब पाकिस्तान है। हमें अपने हर सूबे से, अपने सूबे के हर शहर से, हर कस्बे से, हर देहात से मोहब्बत है, इश्क है अपनी धरती से, अपनी मिट्टी से। और आज डॉक्टर साहब मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करूंगा और उन अजीम इंस्ट्रक्टर्स को जिन्होंने इन बेटे और बेटियों की इतनी आला तरबियत दी कि लगता है कि माशाल्लाह हमारी पाक आर्मी की तरह इनकी परेड है और इनके स्टेप्स हैं और इनके सारा जो इनका सिस्टम है। खुदा ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। जो ओथ डॉक्टर साहब ने पढ़ा है ये ओथ हमारा हमारे मुल्क के साथ भी है, हमारी कौम के साथ भी है, हमारे माशरे के साथ भी है। हमने अपनी ज़िंदगियां इस सिस्टम की बेहतरी के लिए लगानी है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे
आप लोगों की ज़िंदगी बचाएं, इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत आप सबकी है। मेरे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान।